Hello everyone, hope you all good and safe at your home. Now, आज के लेक्चर के बारे में स्टार्ट करने से पहले हम लोग लास्ट लेक्चर के बारे में जान लेते हैं कि हमने कौन से टॉपिक रिवाइज किए थे, राइट? सो इट वॉज कौन सा था? इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जो कि मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स थे मोनोहाइब्रिड क्रॉस, उसमें जो उन्होंने कंक्लूजन दिए थे उनका ये एक्सेप्शंस है. दो एक्सेप्शंस थे जिनमें से एक हमने देखा लास्ट लेक्चर में, जो था इनकम्प्लीट डोमिनेंस. एंड इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सेकंड एक्सेप्शन विच इज को डोमिनेंस. ठीक है, ये को डोमिनेंस के बारे में आज हम बात करेंगे. नाउ अभी जैसे कि नाम से आप लोगों को पता चल रहा है, को डोमिनेंस इट मीन्स कंबाइंड डोमिनेंस, राइट? सो हियर व्हाट हैपन्स, द कॉन्सेप्ट इज कि दो डिफरेंट तरह के अगर एलील्स प्रेजेंट हैं, देन दिस बोथ टाइप ऑफ एलील्स आर डोमिनेंट ऑन ईच अदर. सो यहाँ पे क्या होगा, ऐसा नहीं है कि मिक्सचर मिलेगा, क्योंकि वो कहाँ मिल रहा था, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में. क्योंकि डोमिनेंट एलील है वो अपनी डोमिनेंसी 100% नहीं दिखा सकता है, तो इसलिए वहां पे कुछ मिक्सचर है, वो हमें नया कलर है वो कुछ मिल रहा था फ्लावर की, जिसमें हमने बात की थी एक्सपेरिमेंट की, राइट, मिराबिलिस चलापा में. हियर को डोमिनेंस मीन्स व्हाट, कि दोनों एलील हैं एक जीन के, वो दोनों ही डोमिनेंट है और दोनों ही अपना एक्सप्रेशन है वो दिखाएंगे. ऐसा नहीं है कि कोई एक रेसेसिव होगा दूसरा डोमिनेंट होगा, ऐसा भी नहीं है कि कोई दोनों का कुछ नया सा मिक्सचर मिलेगा, बट दोनों है वो अपने कैरेक्टर्स हैं वो शो करेंगे. ठीक है, तो देखते हैं को डोमिनेंस मीन्स वॉट. सो इन दिस फिनोमिनन बोथ द एलील ऑफ अ जीन एक्सप्रेस फॉर अ पर्टिक्युलर कैरेक्टर इन अ फर्स्ट जनरेशन और फर्स्ट प्रोजेनी. बोथ द कैरेक्टर्स एक्सप्रेस्ड इक्वली, दोनों है वो अपना एक्सप्रेशन है वो इक्वली देंगे. फर्स्ट जनरेशन रिजेंबल्स बोथ द पेरेंट्स. ठीक है, क्योंकि दोनों के ऑब्वियसली कैरेक्टर है वो इधर शो हो रहे, तो फर्स्ट जनरेशन विल रिजेंबल बोथ द पेरेंट्स. ओके, अब ये एग्जाम्पल के साथ हम लोग डिस्कस करते हैं. सो द एग्जाम्पल इज एबीओ ब्लड ग्रुप, और वी कैन से मल्टीपल एलील्स. मल्टीपल एलील वाई, सो हियर द एलील्स आर मोर देन टू. सो वेन एवर द एलील्स आर मोर देन टू वी कॉल इट मल्टीपल एलील्स. ठीक है, क्योंकि नॉर्मली कितने एलील होते हैं हर एक जीन के, दो, एक डोमिनेंट एक रेसेसिव. बट हियर इन दिस केस ऑफ एबीओ ब्लड ग्रुप हियर देयर इज थ्री एलील प्रेजेंट. ठीक है, सो इसे बोलते हैं मल्टीपल एलील. नाउ अब ये जो हम टॉपिक बात कर रहे हैं वो आपकी एनसीईआरटी सिलेबस का भी टॉपिक है, यानी आपको थियोरिटिकल भी लिखना होगा अगर एग्जाम में पूछा जाता है. तो आप कोडोमिनेंस है वो इस एक एग्जाम्पल के साथ है वो आंसर उसका डिस्क्राइब करेंगे. हम कुछ और भी एग्जाम्पल देखेंगे, बट आपको वो नहीं लिखने हैं अगर थियोरिटिकल पूछा जाता है. रेस्ट ऑफ द एग्जाम्पल्स आर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर्पस ओनली. यू हैव टू राइट इन द थियोरी जस्ट वन एग्जाम्पल इन डिटेल ऑफ द कोडोमिनेंस. ठीक है, अब ये क्वेश्चन जैसे कि मैंने आपको बताया तीन तरह से क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है, लाइक एक्सप्लेन कोडोमिनेंस, तो भी आपको यही लिखना है, एबीओ ब्लड ग्रुप का ही एग्जाम्पल देना है. सेकंड, इट कैन बी आस्क लाइक डिस्क्राइब द एबीओ ब्लड ग्रुप. ठीक है, एंड द थर्ड क्वेश्चन कैन बी डिस्क्राइब मल्टीपल एलील्स. सो ये तीनों तरह के क्वेश्चन है उसका आंसर ये सेम ही रहेगा, वन ही रहेगा. ठीक है, अगर आप लोग नोट्स बना रहे हो साथ साथ में, तो आप ये तीनों क्वेश्चन अपने आप से लिख सकते हो, ताकि आपको इन फ्यूचर जब भी रीड करो या रिवाइज करो तब पता चले कि किस तरह से पूछा जाता है. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक. सो इन एबीओ ब्लड ग्रुप इट इज कंट्रोल्ड बाय द जीन आई. ठीक है, यानी ये एबीओ ब्लड ग्रुप है वो मेनली कंट्रोल होता है द जीन कॉल्ड आई. नाउ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द रेड ब्लड सेल्स हैज शुगर पॉलीमर्स दैट प्रोड्यूस ऑन इट्स सरफेस, एंड दैट शुगर इज कंट्रोल्ड बाय द जीन. अब ये आई जीन है, उसके थ्री एलील हैं, और ये शुगर प्रोड्यूस करते हैं कहाँ पे, रेड ब्लड सेल की सरफेस पे, यानी उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है सेल की आउटर मेम्ब्रेन, उसकी सरफेस पे एक शुगर पॉलीमर है वो वहां पे जनरेट करता है. कौन सा, ये आई जीन. ठीक है, नाउ दिस आई जीन हैज थ्री एलील्स कॉल्ड आई ए, आई बी एंड स्मॉल आई. सो हियर यू कैन सी बाय द अल्फाबेट्स ए एंड बी हमने लिखा है कैपिटल में. व्हाट डज इट मीन, दे आर डोमिनेंट. एंड द थर्ड वन वी रोट हियर स्मॉल आई, इट मीन्स इट इज रेसेसिव. ठीक है, तो ये थ्री एलील्स हैं, यानी मोर देन टू एलील्स है, दैट इज व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड मल्टीपल एलील्स. सो आउट ऑफ दिस थ्री, टू आर डोमिनेंट एंड द वन इज रेसेसिव.
नाउ द एल इज आई ए इन आई बी यानी कि डोमिनेंट एल इज प्रोड्यूस स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम फॉर्म ऑफ द शुगर. नाउ ये डिफरेंट फॉर्म होते हैं शुगर के जो कि दोनों प्रोड्यूस करती है, यानी ए है वो कुछ अलग प्रोड्यूस करेगा, बी भी कुछ अलग करेगा, बट ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ शुगर होगी, यानी ज्यादा डिफरेंस है वो नहीं होगा. वाइल एलील आई यानी रेसेसिव स्मॉल आई डज नॉट प्रोड्यूस एनी काइंड ऑफ शुगर बिकॉज ह्यूमन्स आर डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, ईच पर्सन पजेसेस एनी टू ऑफ द थ्री आई जीन एलील्स. ऑब्वियसली जैसे कि आपको पता है वी आर डिप्लॉयड्स, है ना, ऑर्गेनिज्म दो तरह के होते हैं, हैप्लॉयड यानी सिंगल एन और डिप्लॉयड यानी टू एन. सो इन केस ऑफ ह्यूमन्स वी आर डिप्लॉयड टू एन, तो दो ही एलील की पॉसिबिलिटीज है हमारे बॉडी में, भले ही टोटल तीन तरह के हैं पर हमारे सेल में हमारे बॉडी में तो दो तरह के ही आएंगे, ठीक है, वन फ्रॉम द फादर एंड वन फ्रॉम द मदर, राइट, बट उसकी पॉसिबिलिटीज है वो तीन तरह की होती है. सो हियर वी रोट दैट ईच पर्सन पजेसेस एनी टू ऑफ द थ्री आई जीन एलील्स. नाउ अब आई ए और आई बी की अगर हम बात करें, सो दे आर कम्प्लीटली डोमिनेंट ओवर स्मॉल आई. इट मीन्स वॉट कि अगर आई ए और आई बी में से कोई भी स्मॉल आई के साथ प्रेजेंट है देन ऑब्वियसली उनका ही एक्सप्रेशन है वो शो होगा क्योंकि दे आर डोमिनेंट एंड स्मॉल आई इज रेसेसिव. तो अगर मान लो आई ए और स्मॉल आई है तो आई के जैसे ए के जैसे कैरेक्टर होंगे, अगर आई बी और स्मॉल आई है तो बी के जैसे कैरेक्टर शो होंगे क्योंकि डोमिनेंट है. बट वेन दिस आई ए एंड आई बी बोथ डोमिनेंट आर प्रेजेंट टूगेदर दे बोथ एक्सप्रेस देयर ओन टाइप्स ऑफ शुगर्स एंड दिस इज बिकॉज ऑफ कोडोमिनेंस. तो ठीक है, एक डोमिनेंट और रेसेसिव प्रेजेंट है तो वो क्लियर है सिनारियो कि डोमिनेंट जैसा ही एक्सप्रेशन मिलेगा. बट वॉट इफ बोथ डोमिनेंट आर प्रेजेंट, सो हियर इन द केस ऑफ कोडोमिनेंस ऑब्वियसली दिस बोथ विल शो देयर एक्सप्रेशन. सो देर आर सिक्स डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ द थ्री एलील्स आर पॉसिबल. सो ऑब्वियसली थ्री एलील्स है तो उसके सिक्स डिफरेंट डिफरेंट तरह के कॉम्बिनेशन है वो पॉसिबल हैं कोई भी इंडिविजुअल में, ठीक है. तो वो किस हिसाब से होते हैं तो उसका हम एक टेबल है वो देख लेते हैं. तो जैसे कि इधर हमने लिखा है फर्स्ट कॉलम में एलील फ्रॉम द पेरेंट वन, यानी सपोज इफ यू कंसिडर दिस एज ए फादर देन सेकेंड वन इज मदर. सो एलील फ्रॉम द पेरेंट टू, यानी फादर में से कौन सा एलील आएगा, मदर में से कौन सा एलील आएगा, तो ऑब्वियसली इन दोनों को मिला के जीनोटाइप होगा ऑफस्प्रिंग में कौन सा, और उसकी वजह से ब्लड ग्रुप है वो कौन सा होगा, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं. तो सपोज एलील फ्रॉम द पेरेंट वन वो है आई ए. सो आई ए प्रेजेंट है और एलील फ्रॉम द पेरेंट टू यानी सपोज मदर में से एलील आ रहा है वो भी आई ए सिमिलर, तो ऑफस्प्रिंग में यानी कि नेक्स्ट जनरेशन में जीनोटाइप क्या हो गया, आई ए आई ए. सो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, ए. सेकंड केस की बात करते, सपोज एक पेरेंट में से आया आई ए, दूसरे में से आया आई बी, तो ऑफस्प्रिंग में जीनोटाइप होगा आई ए आई बी. सो हियर आप देख सकते हो दोनों डोमिनेंट प्रेजेंट है. तो अभी जैसे हमने बात की कि दोनों डोमिनेंट है और इधर कोडोमिनेंस में दोनों ही अपने कैरेक्टर शो करेंगे, सो ब्लड ग्रुप है वो कौन सा होगा, ए बी. क्यों ऐसा, क्योंकि इधर दोनों है वो डोमिनेंट है, दोनों अपने कैरेक्टर शो करेंगे, दैट इज वाई ब्लड ग्रुप होगा ए बी दोनों तरह का. फिर अगर बात करते हैं एक पेरेंट में से आ रहा है आई ए और दूसरे में से आ रहा है स्मॉल आई, रेसेसिव है यानी जीनोटाइप हो गया ऑफस्प्रिंग में कौन सा, आई ए एंड स्मॉल आई. सो द ब्लड ग्रुप ऑफ ऑफस्प्रिंग इज ए, क्योंकि ए है वो आई पे रेसेसिव डोमिनेंट है, ये आई रेसेसिव है, दैट इज वाई. नेक्स्ट अगर फर्स्ट पेरेंट में से आ रहा है आई बी, दूसरे में से आ रहा है आई ए, कॉम्बिनेशन हो गया आई बी आई ए, तो ये सेम ही हो गया इस तरह का, तो ऑफस्प्रिंग में ब्लड ग्रुप होगा ए बी. नेक्स्ट आई बी आई बी, तो ब्लड ग्रुप हो गया बी. आई बी एंड स्मॉल आई यानी रेसेसिव आई, तो ऑब्वियसली जीनोटाइप हो गया आई बी एंड स्मॉल आई, बट ब्लड ग्रुप हो गया बी. एंड लास्टली बोथ स्मॉल आई, इट मीन्स दोनों रेसेसिव है तो रेसेसिव कैरेक्टर है वो शो करेंगे ब्लड ग्रुप ओ. क्लियर, इस तरह से आप देख सकते हो सिक्स पॉसिबिलिटीज हमें डिफरेंट तरह की मिली, जैसे कि ब्लड ग्रुप ए के लिए आई ए आई ए वाला कॉम्बिनेशन, फिर आई ए आई बी वाला कॉम्बिनेशन, टू आई ए फिर स्मॉल आई, ये तो रिपीट हो गया, देन बी 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 आई एंड डबल आई. तो इस हिसाब से हमें सिक्स डिफरेंट तरह के कॉम्बिनेशन मिलते हैं थ्री एलील्स के, जो कि जीन आई के थ्री डिफरेंट एलील्स है. क्लियर. सो अगर हमें
पॉसिबल जीनोटाइप के नंबर्स अगर सपोज कैलकुलेट करने हैं एमसीक्यू के लिए तो हम कैसे कर सकते हैं. सो दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द पॉसिबल जीनोटाइप नंबर एन इन द ब्रैकेट एन प्लस वन एंड डिवाइड बाय टू वेयर द एन इज द नंबर ऑफ एलील ऑफ अ जीन. सो हियर इन द केस ऑफ एबीओ ब्लड ग्रुप देर आर थ्री एलील्स ऑफ अ आई जीन. सो वी कैन राइट इंस्टेड ऑफ एन थ्री. सो थ्री थ्री प्लस वन डिवाइड बाय टू. सो आंसर इज 12/2. सो सिक्स जीनोटाइप मिल गया आंसर. सो सिक्स जीनोटिपिक पॉसिबिलिटीज हो सकती है अगर किसी भी जीन के थ्री एलील्स हैं तो. क्लियर. तो ये आप एमसीक्यू के लिए डायरेक्टली कैलकुलेशन कर सकते हो. ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको थियोरी में नहीं लिखनी है. दूसरा एक एग्जाम्पल है, जैसे कि हमने ये मल्टीपल एलील के बारे में बात की, एक हमने एग्जाम्पल देखा एबीओ ब्लड ग्रुप का. दूसरा एग्जाम्पल है मल्टीपल एलील का इन द केस ऑफ रेबिट, जो कि आपके एमसीक्यू के लिए इन्फॉर्मेशन है, आपको ये थ्योरी में नहीं लिखनी है. सो सेकंड एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एलील इज कोट कलर इन रेबिट्स एंड इट इज कंट्रोल्ड बाय द फोर डिफरेंट टाइप ऑफ एलील्स. कोट कलर यानी जो फर का कलर होता है माइस में और रेबिट में, वो किससे कंट्रोल होता है? वन जीन बट उसके डिफरेंट फोर एलील्स होते हैं जिससे ये कंट्रोल होता है. ठीक है, तो आपको सिर्फ डायरेक्टली नंबर ही याद रखना है. ओके, नेक्स्ट अब हम जो टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे वो है टाइप्स ऑफ जीन्स. अब इन टाइप्स ऑफ जीन्स में हम बात करेंगे, जैसे कि ये टॉपिक है उसमें से कुछ लाइंस हैं सिर्फ वो आपकी टेक्स्ट बुक की थ्योरी की है, जबकि आएगी तब मैं बताऊंगी आपको थोड़ा बहुत पोर्शन है वो टेक्स्ट बुक का है, अदरवाइज रेस्ट ऑफ द कंप्लीट टॉपिक इज एक्स्ट्रा एंड फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर्पज ओनली. तो जैसे कि हम आजकल देख रहे हैं लेक्चर में एक टॉपिक है वो प्योरली थ्योरी का, यानी आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के सिलेबस का देख रहे हैं और कुछ एक्स्ट्रा उसके साथ डिटेल्स है वो हम स्टडी कर रहे हैं. राइट, सो हियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीन्स में, कि जैसे कि जीन्स है वो बहुत तरह के होते हैं हमारे बॉडी में, हमारे डीएनए में, तो किस किस तरह के होते हैं और उसके एक्सप्रेशन से वो क्या होंगे उसके बारे में डिस्कस करते हैं. सो सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ जीन्स में लीथल जीन. लीथल मतलब जो कि सीवियर हो, जो कि अगर प्रेजेंट है तो पर्सन कैन डाई ऑल्सो. सो दिस आर द थ्रेटन टू लाइफ वी कैन से, तो उसे बोलते हैं लीथल जीन्स. नाउ जीन्स विच कॉज डेथ ऑफ द इंडिविजुअल व्हेन इट कम्स इन होमोजाइगस कंडीशन कॉल्ड लीथल जीन्स. अब होमोजाइगस वर्ड पे आपको ध्यान देना है, होमोजाइगस एंड हिट्रोजाइगस ये टर्मिनोलॉजी जब मैंने आपको समझाई थी चैप्टर के स्टार्टिंग में तब बताया था. होमोजाइगस मीन्स दोनों एलील है वो सिमिलर हो, आइदर बोथ डोमिनेंट हो या तो बोथ रेसेसिव हो, उसे क्या बोलते हैं? होमोजाइगस. और अगर एक एलील है वो डोमिनेंट है और एक है वो रेसेसिव है तो उसे क्या बोलते हैं? हिट्रोजाइगस. राइट, तो ऐसे कुछ जीन्स होते हैं जिसके एलील्स है वो अगर होमोजाइगस कंडीशन में हो तो वो लीथल होते हैं, यानी विच कैन कॉज डेथ ऑफ द इंडिविजुअल. लीथल जीन्स मे बी डोमिनेंट और रेसेसिव. ये होमोजाइगस कंडीशन कोई भी हो सकती है या दोनों डोमिनेंट भी हो सकते हैं, दोनों रेसेसिव भी हो सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल बोथ, बट मोस्टली रेसेसिव आर फॉर द लीथालिटी. ठीक है, मोस्टली ऐसा पाया गया है कि लीथल जीन्स से वो रेसेसिव फॉर्म में मिलते हैं, बट इट इज नॉट नेसेसरी, डोमिनेंट होमोजाइगस कंडीशन ऑल्सो कैन प्ले रोल इन द लीथालिटी. ठीक है, तो एग्जाम्पल के साथ हम लोग स्टडी करते हैं ताकि आपको क्लियर हो. जैसे कि मैंने अभी बताया ये हम कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स देख रहे हैं तो इसके डायरेक्ट रेशियो से वो आपको याद रखने हैं एमसीक्यू के लिए, बट ये रेशियो कैसे आए, आंसर कैसे आया, तो उसके लिए थोड़ी थ्योरी दी है आपको कॉन्सेप्ट जानने के लिए. ठीक है, तो एग्जाम्पल के साथ बात करते हैं हम. तो पहला एग्जाम्पल लेके चलते हैं. लीथल जीन वॉज डिस्कवर्ड बाय एल क्यूनेट इन द कोट कलर ऑफ माइस. ये साइंटिस्ट का नाम है और उन्होंने माइस पे एक्सपेरिमेंट किया था, माइस के कोट कलर में यानी उनके फर के कलर में सबसे पहले. तो क्या था वो एक्सपेरिमेंट? सो द येलो बॉडी कलर डिनोटेड बाय कैपिटल वाई वाज डोमिनेंट ओवर द नॉर्मल ब्राउन कलर विच इज वी रोट हियर स्मॉल वाई. ठीक है, यानी येलो कलर के लिए कैपिटल वाई है और नॉर्मल ब्राउन कलर के फर के लिए, ब्राउन कलर के कोट के लिए है ये स्मॉल वाई, यानी रेसेसिव. ऐसी कुछ कंडीशन है मान लो. अब जीन ऑफ येलो बॉडी कलर इज लीथल, यानी ये कैपिटल वाई है ये लीथल है. ठीक है, येलो कलर का जो जीन है वो लीथल है. सो होमोजाइगस येलो माइस, होमोजाइगस येलो तो येलो के लिए हमने क्या लिखा है? वाई. और होमोजाइगस मीन्स क्या? दो कैपिटल वाई अगर आएंगे, यानी होमोजाइगस येलो माइस आर
never obtain in population, it dies in the embryonal stage. क्योंकि ये लीथल जीन है तो ये ऐसी माइस की प्रोजेनी है, वो कभी भी इस उसकी लाइफ है वो आगे नहीं बढ़ेगी, वो एम्ब्रियोनल स्टेज में ही उनका डेथ हो जाएगा, उनके सेल से वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे. तो ऐसी प्रोजेनी आपको कभी देखने को ही नहीं मिलेगी, यानी आप लोग डोमिनेंट वाई और उसमें भी क्या होमोजाइगस कंडीशन वाले येलो कलर के, येलो बॉडी कोट वाले कलर के माइस है वो कभी हमें नहीं दिखने को मिलेंगे. ठीक है, यानी फिनोटिपिकली वो येलो दिखते हैं, उनके कोट कलर है वो, और जेनेटिकली क्या होगा, होमोजाइगस कंडीशन होगी येलो कलर की. ठीक है, तो इस तरह के माइस का कॉम्बिनेशन है वो सर्वाइव करना पॉसिबल नहीं है. तो देखते हैं एक हम एक्सपेरिमेंट कि कैसे होता है. सो हियर इज द एक्सपेरिमेंट. सपोज हमने दो पेरेंटल कॉम्बिनेशन लिए हैं जो कि येलो कलर के ही लिए हैं, बट ये हेट्रोजाइगस कंडीशन लिए, क्योंकि हेट्रोजाइगस माइस है वो सर्वाइव कर सकते हैं, होमोजाइगस नहीं कर सकते. तो मान लो अगर ऐसे दो पेरेंट है जो कि दिखने में येलो कोट कलर है उनका, बट जेनेटिकली वो हेट्रोजाइगस है. सो वन कैपिटल वाई वन स्मॉल वाई, वन कैपिटल वाई वन स्मॉल वाई. ठीक है, अब उसकी प्रोजेनी की अगर हम बात करें तो चार कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं, जैसे कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम लोग करते हैं, कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, अगेन स्मॉल वाई कैपिटल वाई, एंड बोथ स्मॉल वाई. तो ये जो दोनों कैपिटल वाई वाली अगर ऑफस्प्रिंग आती है तो ये माइस से वो सर्वाइव नहीं करेंगे. क्यों? क्योंकि दिस इज द होमोजाइगस येलो कोट कलर एंड दिस इज द लीथल जीन, तो डेथ हो जाएगी उनकी एम्ब्रियोनल स्टेज में ही, यानी ऐसे माइस से वो मर जाएंगे. तो जिंदा सिर्फ ये थ्री पॉसिबिलिटीज ही रहेगी अगर इस तरह की प्रोजेनी आती है तो. सो मिडल में जो दो कॉम्बिनेशन आप लोग देख रहे हो हेट्रोजाइगस है, यानी वो सर्वाइव करेंगे, बट उनका कोट कलर क्या होगा, तो वन डोमिनेंट एलील प्रेजेंट है वाई कैपिटल वाई, सो कोट कलर होगा उनका येलो, बट दिस इज द हेट्रोजाइगस कंडीशन दो. और लास्ट है दोनों रेसेसिव है तो उसका माइस का कोट कलर होगा ब्राउन. ठीक है, तो उसका मतलब हमें आफ्टर दिस एक्सपेरिमेंट आंसर मॉडिफाइड रेशियो क्या मिला, 2:1. क्यों? क्योंकि ये दोनों कैपिटल वाई वाली होमोजाइगस कंडीशन है वो तो सर्वाइव ही नहीं करेंगी, मर जाएंगे, तो सिर्फ थ्री ही जिंदा रहे, यानी 2:1 पॉसिबिलिटीज. ठीक है, ओके. दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम, सेम फॉर द लीथल जीन ओनली. तो दूसरा एग्जाम्पल है, ये हमने देखा माइस में, यानी एनिमल में हमने एक्सपेरिमेंट देखा लीथल जीन का. दूसरा एक्सपेरिमेंट है वो हम देखते हैं प्लांट पे. सो इन द प्लांट लीथल जीन वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय द ईबोर इन स्नैप ड्रैगन प्लांट. ईबोर साइंटिस्ट है, उन्होंने स्नैप ड्रैगन प्लांट में ये डिस्कवर किया सबसे पहले लीथल जीन. तो अगेन स्नैप ड्रैगन में दो तरह के लीव्स है वो देखने को मिलते हैं, गोल्डन लीव्स एंड ग्रीन लीव्स. तो गोल्डन लीव्स के लिए कैपिटल जी लिखा है हमने, ग्रीन लीव्स के लिए स्मॉल जी लिखा है, यानी रेसेसिव जी. ठीक है, सेम इधर भी ये डोमिनेंट और होमोजाइगस कंडीशन है वो लीथल है, यानी दो अगर कैपिटल जी आएंगे तो वो लीथल है, ऐसी प्रोजेनी सर्वाइव नहीं करेगी. ठीक है, तो देखते हैं हम लोग, पहले लेते हैं गोल्डन लीव्स वाली दो पेरेंटल कॉम्बिनेशन. तो जिसमें हमने एक लिया है कैपिटल जी स्मॉल जी, कैपिटल जी स्मॉल जी. ठीक है, तो यानी देखने में कैसे होंगे उनके लीव्स, ये गोल्डन कलर के. ठीक है, अब उनकी प्रोजेनी में चार तरह के पॉसिबिलिटीज है. तो पहला है दोनों कैपिटल जी, ठीक है, मोनोहाइब्रिड की तरह दोनों कैपिटल जी, फिर कैपिटल जी स्मॉल जी, अगेन कैपिटल जी स्मॉल जी, एंड लास्ट बोथ स्मॉल जी. तो सेम एज द अपर एक्सपेरिमेंट, ये दो डोमिनेंट जो कि जी हैं और उनकी होमोजाइगस कंडीशन है वो कैसी है, सो होमोजाइगस गोल्डन लीव्स आर नेवर ऑब्टेन. क्यों? बिकॉज इट एक्ट एज ए लीथल जी. हियर हेट्रोजाइगस कंडीशन, तो देखने में देखने में गोल्डन दिखेंगे क्योंकि एक एक कैपिटल जी प्रेजेंट है, तो गोल्डन लीव्स के लिए हमने लिखा है, और जेनेटिक मेकअप उनका क्या है, हेट्रोजाइगस है, एंड द लास्ट होमोजाइगस कंडीशन है बट रेसेसिव एलील है, तो ये दिखने में दिखेंगे ग्रीन तरह के लीव्स. ठीक है, तो इसका मतलब इसमें भी फर्स्ट कॉम्बिनेशन है वो पॉसिबल नहीं है, यानी ये मर जाएंगे, ये प्लांट है वो कभी ग्रो ही नहीं करेंगे, बाकी की तीन पॉसिबिलिटीज है दैट कैन सर्वाइव. सो द मॉडिफाइड रेशियो हियर आल्सो 2:1. सो इन द केस ऑफ लीथल जीन्स ऑलवेज मॉडिफाइड रेशियो है वो मिलेगा 2:1. क्यों? क्योंकि अदरवाइज तो चार पॉसिबिलिटीज होती है. सो हमने इधर तीन ही क्यों लिखे हैं, क्योंकि एक है वो लीथल जीन की वजह से मर जाएगी, उसकी डेथ हो जाएगी, चाहे वो प्लांट हो या तो फिर एनिमल हो.
अगर ऐसा लीथल जीन प्रेजेंट है तो उसकी होमोजाइगस कंडीशन है वो लीथल हो सकती है। इन दोनों में हमने एग्जांपल देखे, डोमिनेंट जीन होमोजाइगस कंडीशन में लीथल की तरह एक्ट करते हैं। इन सम केसेस हिट्रोजाइगस कंडीशन होमोजाइगस कंडीशन बट रेसेसिव है वो जीन्स भी कई बार लीथल हो सकते हैं। तो दैट डिपेंड्स, जो कि हमने स्टार्टिंग में ही बात की, ठीक है। ये दोनों जो हमने एग्जांपल देखे उसमें होमोजाइगस कंडीशन बट डोमिनेंट एलील्स की बात की, कुछ में होमोजाइगस कंडीशन बट रेसेसिव कंडीशन में इट विल एक्ट एज ए लीथल, ठीक है। तो ये बात हो गई टाइप्स ऑफ जीन में। हमने पहले तरह के जीन्स देखे जो कि हैं लीथल जीन्स। अब दूसरी तरह के जीन्स की बात करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे जीन्स प्लियोट्रोपिक जीन, जिसको बोलते हैं प्लियोट्रोपिज्म और प्लियोट्रोपी, ठीक है। तो आज हम इसके भी प्लियोट्रोपिक जीन के भी 3 एग्जांपल्स हैं वो दिखेंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोग सिर्फ बात करेंगे दो तरह के जीन की, एक की हमने बात की ऑलरेडी जो कि है लीथल जीन्स, दूसरे देखेंगे प्लियोट्रोपिक जीन, ठीक है। सो नाउ प्लियोट्रोपिक जीन मतलब क्या, सो वेयर अ सिंगल जीन कैन एग्जिबिट मल्टीपल फिनोटिपिक एक्सप्रेशन सच अ जीन इज कॉल्ड अ प्लियोट्रोपिक जीन। मीन्स जैसे कि आप लोगों को पता है कि नॉर्मली जीन्स है वो एक जीन है, वो एक ही एक्सप्रेशन है, वो उनका रोल प्ले करता है, फंक्शन प्ले करता है, राइट। वन जीन कैन प्रोड्यूस वन टाइप ऑफ कैरेक्टर ओनली नॉर्मली, राइट। बट इन द केस ऑफ प्लियोट्रोपिक जीन दिस सिंगल जीन कैन एक्सप्रेस मल्टीपल फंक्शंस, राइट। तो डिफरेंट तरह के फिनोटिपिक कैरेक्टर से वो कंट्रोल होते हैं बाय दिस सिंगल जीन, जिसको बोलते हैं प्लियोट्रोपिक जीन, एंड दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड प्लियोट्रोपिज्म, ठीक है। इन मोस्ट केसेस द इफेक्ट ऑफ जीन इज ऑन मेटाबॉलिक पाथवेज विच कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड्स डिफरेंट फिनोटाइप्स। ऐसे जीन्स मोस्टली कैसे होते हैं, सो मोस्टली दे आर द जीन्स ऑफ मेटाबॉलिक पाथवेज, तो उसकी मल्टीपल इफेक्ट से वो बॉडी में दिखती है। यानी अगर सिंगल जीन है उसका ओवर एक्सप्रेशन हो रहा है या तो लो एक्सप्रेशन हो रहा है या उसमें कुछ खामी आ गई जिसको म्यूटेशन बोलते हैं, ठीक है। कुछ उनकी सीक्वेंस में चेंजेस हो गए किसी भी तरह के, वो उसकी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है और वो कम्प्लीटली अलग टॉपिक है, वो कभी हम डिस्कस करेंगे। म्यूटेशन के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, बट म्यूटेशन इन शॉर्ट कि अगर कुछ खामी आ गई, कुछ मिस्टेक हो गई जीन्स में, ठीक है, वेदर विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स सनलाइट पॉसिबिलिटीज कैन बी एनी, राइट। बट अगर वो जीन है वो खराब हो गया, जिसको हम लेमन लैंग्वेज में बोल सकते हैं, या उसके सीक्वेंस है वो बिगड़ गई नॉर्मल की तरह से, ठीक है, उसको बोलते हैं म्यूटेशन। अब अगर मान लो ये म्यूटेशन हो गया जीन में, तो ऑब्वियसली उसके जो नॉर्मल फंक्शन प्ले होने थे उसमें कुछ गड़बड़ी हो गई, है ना, तो नॉर्मल फंक्शन प्ले नहीं कर पाएगा वो, तो उसकी वजह से बहुत सारे फिनोटिपिक एक्सप्रेशन है डिफरेंट तरह के वो देखने को मिलते हैं। सो ये होते हैं डिफरेंट फिनोटाइप्स जो कि मिलते हैं हमें बिकॉज ऑफ द प्लियोट्रोपिक जीन। तो अभी उसके एग्जाम्पल के साथ हम स्टडी करते हैं, सो यू विल गेट द बेटर आइडिया। पहला एग्जाम्पल है वो है, दिस इज कॉल्ड फिनाइल कीटोन्यूरिया, जिसको शॉर्ट में लिखा जाता है PKU, ठीक है। नाउ ये डिसीज है क्या, सो इट अकर्स इन ह्यूमंस। द डिसीज इज कॉल्ड कॉज्ड बाय म्यूटेशन इन द जीन That codes for the enzyme phenylalanine hydroxylase. अब ये डिसीज में क्या होता है, तो ऐसा जीन जो कि ये एंजाइम phenylalanine hydroxylase नाम के एंजाइम को कोड करता है, उस जीन में कुछ म्यूटेशन हो जाता है, यानी उस जीन में कुछ खामी आ जाएगी, जिसको बोलते हैं सिंगल जीन म्यूटेशन, ठीक है। यानी कोई एक बेस पेयर में अगर म्यूटेशन यानी चेंजेस आ गए, फिर भी पूरा का पूरा फंक्शन है वो खराब हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है, तो उसे बोलते हैं सिंगल जीन म्यूटेशन। तो ये एक जीन में खराबी आ गई और ये जीन है वो किसको कोड कर रहा था, इस एंजाइम को। नाउ इन दिस डिजीज अमाइनो एसिड कॉल्ड फिनाइल एलेनिन कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेस इन द ब्लड। अब इस डिजीज में क्या होता है, सो अमाइनो एसिड है जिसका नाम है फिनाइल एलेनिन, उसका अमाउंट है, उसका कॉन्सेंट्रेशन है वो ब्लड में बढ़ जाता है, एंड बिकॉज ऑफ दिस increases the concentration, side effects can be are mental retardation and reduction in hair and skin pigmentation. तो इसके effects क्या होंगे, अगर मान लो blood में है वो phenyl alanine amino acid है वो बढ़ गया उसका concentration, तो उसके side effects क्या क्या होती है, एक तो होती है mental retardation, ठीक है, यानी brain की capacity है वो कम हो जाएगी, दूसरा है skin, hair, उनमें pigmentation, यानी जो normal skin है उसमें patches
देखने को मिलते हैं, हेयर कलर है वो उसमें भी पैचेस मिलते हैं, ठीक है। तो इस तरह के फिनोटिपिक एक्सप्रेशन है वो चेंज हो जाएगी, किसकी वजह से, अगर ब्लड में फिनाइल एलेनिन अमाइनो एसिड बढ़ गया। और ये अमाइनो एसिड बढ़ क्यों जाएगा, तो हियर एक आपको रिएक्शन दिखाई है कि अमाइनो एसिड है जो कि फिनाइल एलेनिन नाम का, वो कन्वर्ट होता है अमाइनो एसिड टायरोसिन में विद द हेल्प ऑफ दिस एंजाइम फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेस। तो अभी इस डिसीज में क्या होता है कि एंजाइम बनाने वाला जो जीन है वो ही खराब हो गया, उसमें म्यूटेशन हो गया, यानी ये एंजाइम ही नहीं बनेगा। और अगर ये एंजाइम ही नहीं बनेगा तो ये अमाइनो एसिड है वो इसमें कन्वर्ट कैसे होगा, है ना। इसकी वजह से क्या हो जाएगा कि फिनाइल एलेनिन है वो कन्वर्ट नहीं हो पाएगा और उसका कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ जाएगा ब्लड में, जिसकी साइड इफेक्ट्स आपने अभी देखी। सो दिस डिसीज इज कॉल्ड फिनाइल कीटोन्यूरिया। ये शॉर्ट में हमने डिस्क्रिप्शन है वो लिखा है क्योंकि एमसीक्यू के पर्पज से है अभी आपके लिए, राइट। तो उसमें क्या हो गया, सिर्फ एक जीन है वो बहुत सारे फिनोटिपिक एक्सप्रेशन है वो शो करे, यानी एक ही जीन में खराबी हुई बट इधर आपने देखी साइड इफेक्ट्स बहुत सारी होती है ना। सो इट कैन कंट्रोल मेनी काइंड ऑफ फंक्शंस, जो कि उसके खराब होने से वो फंक्शंस भी है वो एबनॉर्मल हो जाएंगे, राइट। दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम, वो है पी प्लांट में सिंगल जीन इन्फ्लुएंसेस, यानी सिंगल जीन है वो कितने फंक्शन प्ले करता है, रोल प्ले करता है। सीड कोट कलर है उसके लिए भी सेम जीन होता है। फिर रेड स्पॉट इन द एग्जाइल ऑफ लीफ, यानी लीफ के एग्जाइल में रेड स्पॉट देखने को मिलते हैं, वो भी सेम जीन की वजह से ही। एंड द थर्ड फ्लावर कलर। तो पी प्लांट में फ्लावर कलर, उनके सीड कोट का कलर और रेड स्पॉट इन द एग्जाइल ऑफ लीफ, ये तीनों कैरेक्टर्स हैं फिनोटिपिक कैरेक्टर्स जो कि हम देख सकते हैं वो कंट्रोल होते हैं सिर्फ एक ही जीन की वजह से। दैट इज वाई ये जीन हम क्या बोलेंगे उसको, प्लियोट्रोपिक जीन। एक ही जीन है तीनों फंक्शन प्ले कर रहा है, ओके। थर्ड एंड लास्ट एग्जाम्पल ऑफ द प्लियोट्रोपिक जीन इन टूडेज लेक्चर ऑल्सो, तो थर्ड एग्जाम्पल है सिकल सेल एनीमिया। ये भी वन काइंड ऑफ डिसीज है सिकल सेल एनीमिया, जो कि है इट इज अ ऑटोजोमल लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर, यानी ऑटोजोमल लिंक्ड, ऑटोजोम्स क्रोमोजोम में से ऑटोजोम की वजह से होता है, उसमें डिफेक्ट की वजह से होता है और ये रेसेसिव डिसऑर्डर है, तो रेसेसिव कंडीशन में देखने को मिलता है, ठीक है। ये भी पूरा जेनेटिक मेकअप हम कभी किसी और टॉपिक में, कभी और किसी लेक्चर में कवर करेंगे ये पूरे डिटेल्स। अभी हम लोग बात करें प्लियोट्रोपिज्म में, तो उसको ही ध्यान में रखते हुए इस टॉपिक को पढ़ते हैं, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया में जीन होता है HB यानी हीमोग्लोबिन, उसकी एस पेप्टाइड का और बीटा चेन का, ठीक है। इट प्रोवाइड, सो द जीन नेम आपको सिर्फ याद रखना है HBS बीटा प्रोवाइड अ बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द प्लियोट्रोपी। नाउ कैसे, सो इट नॉट ओनली कॉजेस हीमोलाइटिक एनीमिया बट ऑल्सो रिजल्ट इनक्रीज्ड रेजिस्टेंस टू वन टाइप ऑफ मलेरिया विच इज कॉज्ड बाई द पेरासाइट कॉल्ड प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम। ये पैरासाइट की वजह से जो मलेरिया होता है उसमें भी ये इंटरफियर करता है, एनीमिया भी कॉज करता है ये जीन। एंड थर्ड, द सिकल सेल HBS बीटा एलील ऑल्सो हैज प्लियोट्रोपिक इफेक्ट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ मेनी टिश्यूज एंड ऑर्गन्स सच एज बोन, लंग्स, किडनी, स्प्लीन एंड हार्ट। तो आप देख सकते हो इधर डिस्क्रिप्शन से कि एक जीन है वो कितने सारे इफेक्ट है वो कॉज कर रहा है, टिश्यू एंड ऑर्गन इतने सारे जो कि मेन ऑर्गन है उस पर भी ये इफेक्ट है वो शो कर रहा है, दूसरा एनीमिया भी कॉज कर रहा है, ब्लड में भी यानी डिफेक्ट है वो कॉज कर रहा है, एंड द थर्ड मलेरिया यानी जो कि ये पैरासाइट से मलेरिया होता है उसमें भी ये रेजिस्टेंस है वो क्रिएट करता है। अब कैसे, तो थोड़ा एक्सपेरिमेंट है वो देख लेते हैं जेनेटिक मेकअप में क्या चेंजेस होता है इस जीन में। सपोज दिस इज द नॉर्मल इंडिविजुअल में कुछ इस तरह से होता है और सिकल सेल एनीमिया जिसको हुआ है उस इंडिविजुअल में ये चेंजेस होते हैं। नाउ देखते पहले नॉर्मल इंडिविजुअल में, तो यानी कि नॉर्मल HB मीन्स हीमोग्लोबिन, नॉर्मल हीमोग्लोबिन एजिन यानी उसके एजिन में हम बात करते हैं कैसे नॉर्मल है वो पैटर्न होती है, कैसे न्यूक्लियोटाइड से वो अरेंज्ड होती है। तो सपोज ये DNA की दो स्ट्रैंड है, ठीक है, हम लोग पूरा DNA नहीं देखेंगे, सिर्फ इस जीन की एक सिक्वेंस ही देखेंगे जहां पे ये चेंजेस होते हैं। तो मान लो ये दोनों स्ट्रैंड है वो DNA की है, उसमें ये हमने कुछ जीन का पार्ट लिखा है, तो सपोज उसमें न्यूक्लियोटाइड की चेन है GAG, तो बेसिक सामने दूसरे स्ट्रैंड में उसके ऑपोजिट होंगे, यानी जैसे कि जी बाइंड करता है सी के साथ, ए बाइंड करता है टी के साथ, सो द कॉम्बिनेशन कैन बी सी
टी सी, ठीक है। अब इसमें से क्या बनेगा, एमआरएनए। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जीन है वो डायरेक्ट अपने एक्सप्रेशन शो नहीं कर सकते हैं, डीएनए है यानी जीन है वो कन्वर्ट होता है एमआरएनए में, फिर एमआरएनए में से बनता है प्रोटीन, देन आफ्टर कोई भी एक्सप्रेशन है वो शो होता है। तो अगर मान लो ये कोई जीन की सीक्वेंस है तो उसमें से बनेगा आप एमआरएनए। तो एमआरएनए है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, तो यानी इन दोनों में से एक स्ट्रैंड होती है उससे बनता है एमआरएनए। सो सी टी सी में से बनेगा जी ए जी एमआरएनए, ठीक है। और अब इस एमआरएनए में से क्या बनेगा, प्रोटीन। तो इधर ये जो कोड है जी ए जी वो कोड करता है अमाइनो एसिड ग्लूटामिन को, जी एल यू शॉर्ट में लिखा है हमने, क्योंकि आपको पता है 11th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो बायोमोलिक्यूल्स में कि प्रोटीन है वो बनता है अमाइनो एसिड से, बहुत सारे अमाइनो एसिड्स है वो एक साथ जुड़ के बनाते हैं प्रोटीन, ठीक है। तो उसमें से हमने एक चेंजेस के बारे में बात की है। तो जी ए जी है नॉर्मल इंडिविजुअल में, वो कोड करता है ग्लूटामिन में, तो कुछ ऐसी सीक्वेंस होगी, अमाइनो एसिड हिस्टिडीन ल्यूसीन थ्रियोनिन प्रोलिन ग्लूटामिन एंड ग्लूटामिन, कुछ ऐसी सीक्वेंस है वो होती है एच बी ए पेप्टाइड में, ठीक है, जीन की। अब एक अगर मान लो चेंज हो गया, म्यूटेशन हो गया इस सीक्वेंस में, यानी ये ग्लूटामिन की जगह पे कोई और अमाइनो एसिड का कोड आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, पूरी सीक्वेंस ही चेंज हो जाएगी, पूरा प्रोटीन ही चेंज हो जाएगा। तो इट मीन्स अल्टीमेटली पूरा जो फंक्शन है वो भी चेंज हो जाएगा। तो हम नॉर्मल इंडिविजुअल में देखते हैं ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक है। अब हम बात करेंगे सिकल सेल एनीमिया की, तो उसमें मान लो सिकल सेल एच बी एस जीन के बारे में बात करते हैं। तो ये दोनों डीएनए की स्ट्रैंड है, अब इसमें एक चेंज हो गया, इधर ए था उसकी जगह पे आ गया टी, एक ही चेंज हुआ सिर्फ न्यूक्लियोटाइड में, बट देखो पूरा एक्सप्रेशन है वो चेंज हो जाएगा। तो सपोज जी टी जी एक स्ट्रैंड है, तो भी उसके सामने कौन सी स्ट्रैंड बनेगी, दूसरी डीएनए की सी ए सी, ठीक है। एक चेंजेस की वजह से दूसरी स्ट्रैंड में भी सामने न्यूक्लियोटाइड चेंज हो गई। अभी सी ए सी में से जो एम आर एन ए बनेगा वो क्या बनेगा, जी यू जी, क्योंकि सी है वो जी के साथ बाइंड करता है, ए है वो आर एन ए में किससे बाइंड करेगा, यू के साथ, क्योंकि यहाँ पे यूरासिल होता है, थाइमिन नहीं होता है आर एन ए में, राइट, इफ यू रिमेम्बर। सो जी यू जी बनेगा, जो कि नॉर्मल में क्या बनता था, जी ए जी। तो भी से अभी ये जी यू जी है वो ग्लूटामिन को तो कोड करेगा नहीं, क्योंकि ग्लूटामिन का कोड 3 लेटर कोड होता है जी ए जी, अभी इधर बन रहा है जी यू जी, तो ये कोड करता है वेलिन नाम के अमाइनो एसिड को, तो यानी ये एक अमाइनो एसिड है वो चेंज हो गया। सो हिस्टिडीन ल्यूसीन थ्रियोनिन प्रोलिन वेलिन ग्लूटामिन, तो इधर ग्लूटामिन की जगह पे वेलिन आ गया और ये पूरी की पूरी सीक्वेंस है वो बदल गई, यानी अल्टीमेटली ये प्रोटीन है वो चेंज हो गया और एक्सप्रेशन भी चेंज हो जाएगी। तो ये है एच बी एस पेप्टाइड। तो जैसे कि एक जीन में सिंगल न्यूक्लियोटाइड के म्यूटेशन की वजह से, सिंगल न्यूक्लियोटाइड के चेंज की वजह से पूरा का पूरा एक्सप्रेशन है वो चेंज होता है, तो ये होता है सिकल सेल एनीमिया में, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि एक ही जगह पे, यानी एडिनिन की जगह पे चेंज क्या हो जाता है, थायमिन आ जाता है। अमाइनो एसिड में कौन से चेंजेस होते हैं, सो नॉर्मल इंडिविजुअल में ग्लूटामिन होता है, सिकल सेल एनीमिया जो कि हुआ है किसी को तो उसमें होता है वेलिन, फिर कौन सा जीन है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द सिकल सेल, सो एच बी एस बीटा एलील है वो रिस्पॉन्सिबल है, उसमें प्लियोट्रोपिक इफेक्ट है वो रिस्पॉन्सिबल है इस डिसीज के लिए। दिस काइंड ऑफ एमसीक्यूज के पॉइंट है वो आपको याद रखने हैं फ्रॉम दिस थियरी, क्लियर। तो आज हमने देखी एक मेन थियरी टेक्स्ट बुक की आपकी सिलेबस की, जो कि थियोरिटिकल पोर्शन भी आपको 3 मार्क में पूछा जाता है, जो कि था को डोमिनेंस, ये 4 मार्क में भी पूछा जाता है वैसे, और वो दो तरह से पूछा जाता है जो कि हमने अभी समझा था, जैसे कि मल्टीपल एलील की तरह भी पूछा जाता है और एबीओ ब्लड ग्रुप एक्सप्लेन एबीओ ब्लड ग्रुप ऐसे भी पूछा जाता है, ठीक है। तो एक हमने मेन टेक्स्ट बुक का टॉपिक देखा एंड देन वी हैड कवर्ड 2 टॉपिक्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो 2 तरह के हमने जीन्स देखे, लीथल जीन एंड प्लियोट्रोपिक जीन। नेक्स्ट भी कुछ तरह के जीन्स हैं जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, 2 एक्स्ट्रा टॉपिक एंड सिंगल टेक्स्ट बुक का टॉपिक।